क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? नहीं, इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा। रमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। इंडिया नहीं आएगा तो ना आए, होर बहुत टीमां ने, बड़िया टीमां ने, 20 टीमां वर्ल्ड कप खेडियां ने इस दफा, जिन्या भी सानू टीमां ने सी उन्नियां नाल खेलेंगे, इंडिया नाल खेलने नहीं है ही बेईमान। इस बात पे क्यों 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जड़ा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं। अच्छा, क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी, वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा। इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया इन खबरों से भर चुका है, और मैं देख रही थी कि क्या इंडियन मीडिया में भी ऐसी कोई खबर मौजूद है, तो एग्जैक्टली कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप। फ्यूचर देखिए, अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराए ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी, ये इतलात आई है। और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है, जराए से कोट किया गया, लेकिन जराए बहुत तगड़े हैं। हाँ बिल्कुल, जराए तगड़े हैं। ये बात तुम आतंकवादियों को समझ में क्यों नहीं आती? सुनते जाइए, ये जो तुम्हारी स्टेट टेरर पॉलिसी है, जब तक तुम इस पे काबू नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारे मुल्क में अमन और शांति नहीं आ जाती, सुनते जाइए, जब तक तुम अपनी हरकतें नहीं सुधार सकते, तब तक भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। इस बात को स्वीकार कर लो पाकिस्तानियों। सुनते जाइए, क्यों जोर लगा रहे हो एडी चोटी का? क्यों हम हिंदुस्तानियों को तुम पे हंसने का मौका देते हो? सुनते जाइए, भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, ना तो ये बीसीसीआई तय करेगा, ना ये पीसीबी तय करेगा, ना आईसीसी तय करेगा, ये तय करेगी भारत सरकार, और भारत सरकार के पीछे खड़ा है बीसीसीआई, और भारत सरकार के पीछे खड़े हुए 140 करोड़ हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी कभी भी अपनी टीम को जीते जी नरक में भेजना पसंद नहीं करते। सही बात है। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता, तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। इंडियन मीडिया में खबर मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया में नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान। कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ पीछे निगोसिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के दो आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती भी दिखाई दे रही है? और रिपोर्टर भाई चचा, भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना आईपीएल चल रहा है पिछले 14 साल से, 15 साल से, तुमसे कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते, तो भी बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, तो भूखे नंगो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो कि पाकिस्तान के बिना भारत का काम नहीं चलेगा। चलता नहीं है, दौड़ता है भाई, दौड़ता है। देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गोवा हेड का सिग्नल देगी। ये पाकिस्तान का सबसे समझदार आदमी है, इसको हकीकत पता है, बाकी सब धूल में लट मारे जा रहे हैं। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। फर्स्ट मार्च को लेकर ये बड़े मुकाबले के लिए है, ये सेबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में, और हालांकि इनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं, कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम नहीं जाएगी। अरे बीसीसीआई को छोड़ो, भारत सरकार को छोड़ो, मैं एक आम हिंदुस्तानी होकर बोल रहा हूँ कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। अगर भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी तो एशिया कप जैसे हुआ था हाइब्रिड मॉडल पे, उसी प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी। भारत के जो भी मैच होंगे पाकिस्तान से बाहर कहीं भी खेल लेगी, लेकिन पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी। ये स्केड्यूल बन रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, और मेरा डर इस बात का है कि व्हाट इफ बीसीसीआई वाले आपकी वो वाली खाला बन गए, या वो वाली दूर पार की जिसे कहते हैं बुआ बन गए, और बुआ एंड टाइम पर आपको फोन करके कह दे कि बहुत दर्द है घुटनों में, नहीं आ पाएंगे आप।
इस किस्म की अगर बीसीसीआई ने कोई बात कर दी फिर क्या करेंगे? फिर पीसीबी मेरे भाई झुंझुना इलाएगा ही है, जाएगी बाल्टी वाला ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेज रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऑल्दो पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? ये भी नहीं पड़ता, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत के लिए अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बात को जितना जल्दी आप लोग तस्लीम कर लोगे उतना फायदे में रहोगे पाकिस्तानियों। नहीं पड़ता होगा, प्लीज कोई नहीं पड़ता एग्जैक्टली। लेकिन ICC को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए इस दफा हमें। जैसा कि आपको पता 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और पाकिस्तान उसका होस्ट है। इसमें 8 टीमें खेलने वाली है, भारत और अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी की 6 टीमों ने अपनी परमिशन दे दी कि हम पाकिस्तान में आके खेलने को तैयार है। अफगानिस्तान के बारे में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसले हैं तब तक तो भारत पाकिस्तान में जाके खेलने से रही। और बार बार ये पाकिस्तानी धमकी देते हैं कि आने वाले ICC के जो टूर्नामेंट इंडिया में होने वाले हैं हम उसका बॉयकॉट कर देंगे अगर आप लोग नहीं आएंगे तो भाई कर दो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर? अबे पाकिस्तानी तुम्हारा कोई वजूद नहीं है संसार के अंदर, तुम इस दुनिया में सिर्फ बोझ ही बने हो, तुम्हारे नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत को तो, और अगर फर्क पड़ेगा किसी को तो सबसे ज्यादा पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे PCB और तुम्हारा मुल्क दोनों भूखे नंगे कंगले हैं और तुम्हारा आधे से ज्यादा खर्चा ICC उठाता है और ICCI को 80% से ज्यादा रेवेन्यू BCCI बना के देता है। तो भूखे नंगों तो तुम्हारे पास तो नो का तो ऑप्शन ही नहीं है, जो टुकड़े मिल रहे ना खा लो और खुश रहो। लेकिन ये पाकिस्तानी है ये कहां सुधरेंगे भाई, मनोरंजन तो कराएंगे ये हमारा। इंडियन मीडिया की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी खेलने? सर आना तो चाहिए, देखें हम भी वहां पे गए हैं तो देखें अगर आप एक अमन का पैगाम देते हैं तो आना तो जरूर बनता है, लेकिन अगर आप दोबारा वही इंतहा पसंदी इसी तरफ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको डिनाई करना चाहिए, पाकिस्तान आए खेले, लेकिन देखें अगर नहीं आना चाहते तो घर बैठ के भी देखें। इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी? सर देखिए मज़ा नहीं आएगा, मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ अगर इंडिया आए तो मैं इंडियन जर्सी पहन के उनको स्टेडियम सपोर्ट करने जाऊंगा हर इंडियन मैच में। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं कि जय शाह अगर ICC के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई। माय गॉड, स्पोर्ट्स के अंदर तो इस तरह की कोई भी रंजिश नहीं होनी चाहिए कि वो इंडिया में है और पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं, पाकिस्तान में है तो इंडिया नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ने अपना हक जमाया है और दिखाया है अपने नेबरिंग कंट्री में जाके जिस तरह वर्ल्ड कप के लिए गए हैं वो खेलने के लिए, इसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए और हमें भी मौका दे कि उनकी जो गेस्ट जो है उनको जिस तरह आप हम यहाँ पे करते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनका वो करते हैं केयर करते हैं, उनको खाना पीना हमें भी मौका दिया जाए, जैसे हमारे प्लेयर्स को वहाँ पे बिरयानी दी गई, उनको खाने दिए गए, एक से एक बढ़ के उनको डिश पेश की गई, उनको वार्म वेलकम किया गया। मैं समझता हूँ कि टीम इंडिया जब यहाँ आए तो पाकिस्तान जो है उनको उसी तरीके से वेलकम करे जैसे उन्होंने हमें किया, बल्कि उससे भी बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि टीम इंडिया लाजमी आए, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली रोहित शर्मा जो है हमारे स्टेडियम्स में आएँ, छक्के चौके लगाएं और यहाँ पर जो गूंज है आप देखिएगा। मैं समझता हूँ कि इंडिया के स्टेडियम्स में भी इतना शाउट नहीं होगा जितना यहाँ पाकिस्तान ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथियों के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? देखें अली अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट है। क्या नहीं आएगा तो ना आए, होर बहुत टीमां ने, बढ़िया टीमां ने, 20 टीमां वर्ल्ड कप खेड़ियां ने, इस दफा जिन्नियां भी सानू टीमां ने सी उन्नियां नाल खेलेंगे, इंडिया नाल खेलने नहीं है ही बेईमान। ICC वर्सेस BCCI जुमला इसलिए कह रहा हूँ अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में ग्राउंड कजाफी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी, देखें पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है अब, ये अभी ये मैटर बन गया है ICC वर्सेस BCCI, क्या BCCI अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB हैं हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद तो ये बोल सकते हैं ये पाकिस्तानी है, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये ख्याली पुलाव तो ख्याली होते हैं, ये पकने से रहे और उनको खाने से पेट भरने से रहा, तो इन पाकिस्तानी को ख्याली पुलाव पका लें दो। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान होस्ट है और ख्याली पुलाव पकाना इनका हक भी है, राइट भी है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम।